धार जिले के निसरपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर हो गई है। यहाँ शासन के नियम कायदे नहीं चलते, जब जिसकी मर्जी हो चले जाते हैं, ना किसी का डर है ना भय। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि निसरपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 121 प्राथमिक स्कूल, 37 मिडिल स्कूल, 7 हाई स्कूल और 8 हाई सेकेंडरी स्कूल है। इन स्कूलों में छात्राओं की संख्या 10,244 दर्ज है, मगर इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 368 क्लास 1 से 12 तक है। इसमें 58 अतिथि शिक्षकों की संख्या है। इन स्कूलों में मात्र 3 प्राचार्य और 2 अतिथि प्राचार्य है, जबकि शासन का निर्देशानुसार मात्र 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। और इतने कम शिक्षक होने के बावजूद भी इनमें से कई शिक्षकों को शासन की अन्य योजनाओं के कार्य में लगा दिया जाता है। ऐसे पिछले 3 महीनों से निसरपुर ब्लॉक के 4 शिक्षकों को आयुष्मान की ड्यूटी पर लगा रखा है, जबकि निसरपुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा मात्रा में आयुष्मान का कार्य पूर्ण हो चुका है। यहाँ 91% आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। यहाँ निर्वाचन आयोग द्वारा भी कई शिक्षकों को BLO बना दिया गया, जिसके कारण वो अपना कार्य छोड़कर निर्वाचन आयोग का कार्य करने में लगे हैं। कुक्षी से सईद अनवर खान की रिपोर्ट। ये तो अभी मुझे मालूम नहीं, मैं 3 दिन से अभी कुक्षी बैठक में था, सोमवार मंगलवार बुधवार, कल भी 3 बजे बाद में आया था, फिर 5 बजे भी सी थी। तो ये अगर जैसे अवकाश वगैरह भी लेते हैं जो भी शिक्षक प्राथमिक के और मिडिल के, तो वो जो संकुल है, मतलब संकुल की व्यवस्था है, संकुल प्राचार्य, तो यहाँ प्रॉपर संकुल केंद्र जो बने हुए हैं, तो उनसे या तो छुट्टी लेके जाते हैं उनके बच्चों के, जैसे जो अगर स्कूल में कम स्कूल आते हैं उनको तो शिक्षक घर घर जाके उनको मोटिवेट करते हैं, उनके पालकों को हम कई बार बैठक में निर्देश भी देते हैं कि अगर बच्चों की संख्या अगर उपस्थित की स्कूलों में कम रहती है तो उनके पालकों से संपर्क करें, और इनकी स्कूलों में SMC की जो बैठक वगैरह होती है तो इनमें उनकी पालक शिक्षक संघ की समितियां भी बनी हुई। मतलब सर 2 दिन से सर ब्लॉक में लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। शिक्षक अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, कोई अंकुश नहीं है। सर आपने उन शिक्षकों के लिए क्या करा और शिक्षा का स्तर कैसे उठाएंगे आप? सर अभी शिक्षा का स्तर 2 वर्ष तक लॉकडाउन रहा है कोरोना की वजह से, इसलिए स्तर तो कमजोर है सर, और इसके लिए अभी सतत जन शिक्षक संकुल प्राचार्य BSc CSc BRC BO जो भी समय समय पे हम उनको निर्देशित ऊपर से किया गया वैसे निरीक्षण तो कर रहे हैं सर, और जहाँ अगर अनुपस्थित अगर ऐसे शिक्षक पाए जाते हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस वगैरह भी जारी कर रहे हैं और करेंगे अगर जो भी कहीं ऐसी स्थिति पाई जाती है तो। सर कई टीचरों को BLO बनाया हुआ है, कितने टीचरों को आयुष्मान कार्ड में लगाया गया है करीब पिछले 4 महीनों से, ना तो वो स्कूल में जाते हैं ना कोई काम कर पाते हैं, सर उन लोगों का क्या? सर अभी BLO तो है अधिकतर तो जैसे पंचायत सचिव है, और जहाँ अगर बड़ी पंचायतें वहाँ के शिक्षकों को BLO बनाया गया है, तो पूरी जानकारी तो नहीं है कितने टीचर BLO हैं। और आयुष्मान में भी जैसे SDM के आदेश है, तो कंट्रोल रूम में जब से आयुष्मान कार्ड बन रहे तब से कंट्रोल रूम में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, 3-4 शिक्षक हैं, तो वो SDM का आदेश है, मतलब जब तक 100% ये बनेंगे तब तक BLO कंट्रोल रूम में शिक्षकों की ड्यूटी रहेगी सर। और क्या पंचायतों में जैसे कॉल करके वो बहुत की जानकारी लेते हैं कि कितने बने क्या, और इनके पास एक फॉर्मेट है तो उनमें भर के वो SDM के वहाँ जानकारी देते हैं। सर राजस्व का काम है SDM को करवाना, शिक्षा विभाग की तनख्वाहें लेते हैं और राजस्व विभाग का काम कर रहे हैं, आपने कभी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया सर? सर ऑब्जेक्शन क्या, अभी कोई भी बड़े अधिकारी का आदेश हम अवहेलना नहीं कर सकते, उनके आदेश का पालन करने बीच में सर ऐसे अल्टरनेट लगाए थे थोड़े दिन, शिक्षक थोड़े दिन ऐसे मतलब अल्टरनेट लगाए थे, अभी और हम निवेदन करेंगे कि सर अभी जो संबंधित शिक्षक कंट्रोल रूम में लगे हुए हैं तो उनकी जगह और दूसरे शिक्षकों को लगाया जाएगा या कर्मचारियों को।
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।